जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कमर मेकन और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मुझे इस वक्त मेरे साथ जहांज़ेब अब्बासी साहब, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर, सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी, जैसे कि थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो गया, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा है, लग रहा है कि दोबारा से जवाब पैदा करने की कोशिश कर रहा है कि इलेक्शन को डिले किया जाए। वही पुराना फार्मूला जो है दोबारा अपनाया जा रहा है और ये बहाना आज जो सामने आया, इस वक्त इजलास भी उस बारे में जारी है कि जी फंड्स मुहैया नहीं किए गए, पैसे ना हो तो जाहिर है इंतखाबात नहीं हो पाएंगे। और क्या क्या चीज़ें हैं, जहांज़ेब अब्बासी साहब से इसके मुतालिक डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो बात सामने आ रही है वो ये कि 42 अरब रुपये इस साल के बजट में से मुख्तस थे इलेक्शन करवाने के लिए, लेकिन उसमें से सिर्फ 10 अरब रुपये दिए गए। अब बाकी 32 अरब रुपए जो हैं वो अभी तक मुहैया नहीं किए गए, जबकि 17 अरब रुपए का तकाजा किया जा रहा है कि वो अगर फौरी तौर पर मुहैया ना किए गए तो इलेक्शन जो 8 फरवरी के हैं वो खतरे में पड़ सकते हैं। इस बारे में जहांज़ेब अब्बासी साहब से बात करेंगे। सर क्या लगता है, वही पुरानी शराब नई बोतल पैकिंग, क्या समझ आ रहा है आपको? कमल, मेरे ख्याल में तो इलेक्शन डिले नहीं हो रहे, लेकिन एक चीज जरूर है, कुछ दिनों से मैं ये महसूस जरूर कर रहा हूँ मुख्तलिफ आर्टिकल्स के जरिए, मुख्तलिफ खबरों के जरिए। ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता एक रायामा के तौर के ऊपर ये चीज़ फैलाई जा रही है कि इलेक्शन डिले होने जा रहे हैं, डिले होने जा रहे हैं। कुछ कॉलम लिखे गए, फिर कुछ दरख्वास्तें भी आईं इलेक्शन कमीशन में जी। कहीं पे बर्फबारी का हवाला दिया गया कि जी ये फेब के महीने में बहुत ज़्यादा इन इलाकों में सर्द इलाके हैं, बर्फबारी होती है, कहीं पर कोई और जवाब पेश किया गया। तो अल्टीमेटली हमें कहीं ना कहीं एक चीज़ तो समझ आ रही है कि अब भी कहीं ना कहीं ये चीज़ शायद है कि इस मामले को कहीं पे इल्तवा में डाला जाए, जो कि मेरा पर्सनल व्यू ये है वो नहीं हो सकता। इसकी वजह पता है, रीजनिंग क्या है? देखिए, इस वक्त मुल्क की इकोनॉमी की सूरत हाल जो है ना वो हम सबके सामने है। सियासी अदम इस्तेकाम को सिर्फ थ्रू इलेक्शन और थ्रू एक मुंतखब हुकूमत ही उसको बेहतर हो सकती है, मुल्क की मईशत बेहतर हो जो होगी, फिर उसके बाद जो इंटरनेशनली हमारे मुआहदे होने हैं वो सब कुछ जुड़ा हुआ है इस वक्त इंतखाबात से। जी। एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका ये कहना है, और वो दुरुस्त भी है, कि भाई हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। कुछ सियासी जमातें हैं जो बरमला इलेक्शन कंपेन कर रही हैं, जलसे कर रही हैं, बिला रोक टोक उनको सब इजाज़त है। तो ऐसी सूरत हाल में अब ये सवाल बहरहाल मौजूद है कि ये कौन है फिर जो ये हर एक दिन के बाद 24 घंटे 48 घंटे के बाद कोई इस तरह का आर्टिकल आ जाता है, कोई खबर आ जाती है। अच्छा, आपको याद है कि एग्जैक्टली यही कुछ हर कुछ सालों के बाद अचानक खबर आती है कि मुल्क में सदारती निज़ाम होना चाहिए और फिर उस पर डिबेट करवा दी जाती है जी। टीवी चैनल्स पे पूरे पूरे प्रोग्राम्स होते हैं, आर्टिकल लिखे जाते हैं, डिस्कशन शुरू हो जाती है, एक पटिशन आ जाती है, वो पटिशन फिर समाज के लिए मुकर्रर हो जाती है और फिर उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन दी जाती है कि नहीं जी सदारती निज़ाम तो नहीं आ सकता, उसके लिए ये रिक्वायरमेंट है। फिर एक खबर अचानक ये भी आ जाती है कि जो 18वीं तरमीम है ना जी वो सही नहीं हुई। तो ये उस तरह की कुछ चीज़ें मुझे लग रही हैं, जैसे फिलर छोड़े जाते हैं जानबूझ के, टेस्टर छोड़े जाते हैं। लेकिन अगर अब पैसों का इशू है तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि पैसे इलेक्शन कमीशन ने तो नहीं देना, बिल्कुल इसका एक पूरा प्रोसेस, बिल्कुल हुकूमत ने मुहैया करने हैं, देने हैं वजारत खजाना को पैसे देने चाहिए, अगर जितने भी ग्रीवेंसेस हैं इस पर करने चाहिए। और ये तमाम सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत आईनी तौर के ऊपर पाबंद हैं इलेक्शन कमीशन की मावनत करने के लिए। मावनत जो लफ्ज है ना, इसका मतलब ये हुआ कि हर तरह की रिक्वायरमेंट अगर इलेक्शन कमीशन को दरकार है, जैसे फौज दरकार है, इलेक्शन कमीशन लिखें, फौज प्रोवाइड की जाए फॉर सिक्योरिटी पर्पस। अगर ये कहा जाए फंड्स नहीं हैं, फंड्स प्रोवाइड किए जाएं। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड का किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई शिकवा है तो उसको एड्रेस किया जाना चाहिए, ये भी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। शफाफ और आज़ाद इंतखाबात करवाना ये भी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। और अगर कहीं पे किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये एतराज़ है कि भाई हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, फिर इलेक्शन जो हैं उसके लिए माहौल नहीं बन रहा, तो फिर ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो सूबाई हुकूमतों को लिखे, मरकज़ को लिखे, बिल्कुल कि भाई आप इंतखाबात के इनेकाद के लिए हमें
ये चीज़ें प्रोवाइड करें। अच्छा, ये जो इलेक्शन कमीशन का क्लेम है कि हमने बार बार रिटर्न में दरख्वास्त करने के बावजूद फंड्स मुहैया नहीं किए गए, अब हुकूमत में बैठे लोग जो हैं वो इस वक्त वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि इंतखाबात करवाने की तैयारियों में मशगूल तो नहीं लग रहे, वो कोई फॉरेन ट्रिप्स कर रहे हैं, कोई अपने मुआहदे कर रहे हैं, दूसरे ममालिक के साथ TTs साइन की जा रही है, ये पैसे क्यों नहीं दिए जा रहे इलेक्शन कमीशन को जो अभी तक मुहैया हो जाने चाहिए थे? अब देखना यह है कि इसकी रीजनिंग जो है वो हुकूमत की जानिब से क्या दी जाती है। जहाँ तक आपने बात की ये हुकूमत के फॉरेन ट्रिप्स चल रहे हैं, ये एक डिस्कशन गुज़िश्ता 4 महीनों से कम अज़ कम मैं देख रहा हूँ कि जो निगरान हुकूमतें हैं जिनकी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई हैसियत नहीं है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशन है। ये वो बहुत सी डिबेट्स हैं जो इस वक्त हमारे इस अहद में जो है जो हमने फेस की हैं। मिसाल के तौर पे डिले ऑफ इलेक्शन हुआ, इसको स्टॉपर लगाना चाहिए ताकि मुस्तकबिल में 90 दिन से आगे इलेक्शंस ना हो सके, पार्लियामेंट को इसके लिए सख्त कानून साजी करनी चाहिए। ये अगर मुआशरे में इस वक्त ये डिबेट है कि निगरान हुकूमतों का आइन में कोई कंसेप्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जैसे जो एक आला इंसाफ का फोरम है उसके जजेस भी अपने नोट्स में ये कह चुके हैं कि निगरान हुकूमतों की कोई आइनी हैसियत नहीं है, तो फिर अब नेक्स्ट पार्लियामेंट को चाहिए कि वो इसके लिए सख्त कानून साजी बिल्कुल करे, तय कर दे कि भाई निगरानों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सुप्रीम निगरान जिस तरह से बने और जो कुछ हुआ उसके ऊपर बहुत से लोग बहुत से बातें कर रहे हैं और उससे ये लग रहा है कि ये जो आपने बात की कि उंगलियां तो बहरहाल इस पर उठ रही हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में आइन बार बार तोड़ा गया इंतखाबात ना करवा कर, खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात नहीं हुए, जाहिर है आइन की खिलाफ वर्जी हुई, पंजाब में नहीं हुए, आइन की खिलाफ वर्जी हुई, उसके बाद अभी तक जो वफाक के इंतखाबात हैं उनका बड़ी मुश्किल से एक मैं ज़ाती तौर पर उसको समझता हूँ कि एक पंचायती फैसले के तहत मिलजुल के कवर अप करके सारी चीज़ों को आगे लेके जाया गया, जबकि शायद सुप्रीम कोर्ट को यह चाहिए था कि पहले उन लोगों को अकाउंटेबल ठहराते, उनसे पूछते कि जिन्होंने पहले इंतखाबात करवाने थे, जिनकी ये जिम्मेदारी है, किस किस ने कहाँ कहाँ गलती की, उसको पसे पुश्त डालते हुए 8 फरवरी की एक डेट दे दी गई और अभी फिर इंतखाबात में ये बहाना बनाया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि हमें पैसे नहीं मिल रहे। वाज़े तौर पर ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने जेब से तो नहीं डालने, हुकूमत ने देने हैं, लेकिन जो लोग ये काम नहीं होने दे रहे उनके लिए सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसी सजा कानून कोई नहीं है कि कोई जाके कहेगा तो फिर वो करेंगे, या फिर आइन और कानून के बारे में जो इतने बड़े बड़े दावे करने वाले अभी हमारे जस्टिस बैठे हुए हैं अभी कोई नोट नहीं लिख रहा कि इसके ऊपर कोई 3 रुकनी कमेटी कोई सो मोटो ले या कोई खुद से इसके ऊपर काम करे। एक चीज तो बिल्कुल वाजह है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है ना वो बाइंडिंग होता है, उसका इतलाक पूरे मुल्क के ऊपर होता है, और अगर खुदा ना खास्ता इस फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता 8 फरवरी वाले फर्ज करते हैं वो कि हमें काजी साहब ने ये कहा हुआ है कि ये बातें आपने घरों में अपनी बीवियों से करनी है ओपनली नहीं करनी, लेकिन अब आपका सवाल ऐसा है तो मजबूरन जो है मैं एक कुछ देर के लिए, बहुत सारे लोग कर चुके हैं, चले हम थोड़ा सा वो बेशक करते हैं उनका अपना मसला है, तो थोड़ी देर के लिए अगर हम ये मैं अब जरा ना हम अपने नाज़रीन को समझाना चाह रहे हैं, तो अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं होता और ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में आता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट भी है, ये आईनी हक भी है कि सुप्रीम कोर्ट तमाम एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ बशमूल फौज उनको पाबंद कर सकती है कि भाई ये हमारा ऑर्डर है इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को इस हद तक इख्तियार हासिल हैं और इलेक्शन कमीशन को भी बहुत ज़्यादा इख्तियार हासिल हैं, तो मेरे ख्याल में ये इलेक्शन कमीशन के लेवल पे ही ये इशू सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये जो फंड्स की फराहमी का मुतालबा इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया जा रहा है ये जल्द पूरा हो जाएगा और इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। जाज़ेब अब्बासी साहब के मुताबिक उनकी इतलात ये है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएंगे, मज़ीद डिले नहीं होंगे, लेकिन फंड्स का इशू जो है वो अभी तक मौजूद है। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह भी फैसला किया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने, कि वो वज़ीर आज़म को भी ख़त लिख कर इस बारे में आगाह करेंगे। अब देखना यह है कि वहाँ से क्या जवाब आता है और ये क्या मसला दोबारा सुप्रीम कोर्ट में ही आएगा या फिर इलेक्शन कमीशन की हद तक सॉल्व हो जाएगा, जैसे कि जहाँ से वासी आपने कहा। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। अभी तक के लिए इतना ही, अपने मेज़बान कंवर मेकन को इजाज़त दीजिए, आला निगहबान।